हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 29 जुलाई 2020 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं आज की, और आज का देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो फ्रेंड्स, ये की गई है US में स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अनुसार ये बताया गया है कि जो भारत है वो कुछ चंद देशों में शामिल है जिसमें फॉरेस्ट रिजर्व बढ़ा है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, फॉरेस्ट रिसोर्स रिपोर्ट जो खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके अनुसार 0.38% यानी कि लगभग 266,000 हेक्टेयर भूमि जो है बड़ी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के द्वारा लॉन्च किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग भी कहते हैं इसको। और ये किस नेता के द्वारा लॉन्च किया गया है? अगर ये पूछा जाएगा तो हर्षवर्धन जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मौसम ऐप, जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं, मौसम के बारे में ये जानकारी देगा। इसमें तरह तरह के मानक रखे गए हैं, जैसे कि तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, बारिश की जानकारी हो गई, इस तरीके की जानकारियाँ ये देगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम भी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो इसकी थीम रहेगी हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। ये आप यहाँ पर थीम भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, विश्व हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीआरपीएफ दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 27 जुलाई को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सीआरपीएफ जो जो फोर्स है वो भारत की सबसे बड़ी फोर्स है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि इसकी स्थापना 1939 में की गई थी और इसको सेंट्रल फोर्स बनाया गया था 1949 में, और ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है। ये ध्यान रखिएगा, डिफेंस के अंतर्गत नहीं आती है, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 27 जुलाई। होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स है तो डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं लगाना है आपको, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव यान 3 उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जीव यान 3 उपग्रह लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जीव यान 3 उपग्रह चीन का उपग्रह है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान किस देश से भारत आ रहे हैं? तो सभी को पता होगा कि जो डील हुई थी वो लगभग 59,000 करोड़ रुपए की डील है, नॉट श्योर बट इतने की ही है लगभग, बाकी कंफर्म होकर आपको बता दिया जाएगा। तो ये जो है फ्रांस से ये डील हुई थी लगभग 36 विमानों की, जो कि 2021 तक भारत आ जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, फ्रांस। बहुत दिनों से न्यूज़ में है, विपक्षी पार्टी यानी कि राहुल गांधी की पार्टी ने भी इसको मुद्दा बनाया था, उस समय भी ये न्यूज़ में था राफेल। और अब क्यों न्यूज़ में है ये? क्योंकि हाल ही में ये आने वाले हैं, इसकी जो कंसाइनमेंट है या जो डिलीवरी हो रही है वो आज या कल में हो जाएगी। तो राफेल लड़ाकू विमान कहाँ से आ रहे हैं? फ्रांस से आ रहे हैं। और जो इसका स्क्वाड्रन का नाम रखा जाएगा वो गोल्डन एरो रखा जाएगा। तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, गोल्डन एरो इसके स्क्वाड्रन का नाम भारत में रखा जाएगा, और ये जो है फ्रांस से आ रहे हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, रोजगार बाजार 2020 पोर्टल किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये संबंधित है दिल्ली से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली से संबंधित है रोजगार बाजार 2020 पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, कपास एक्सपोर्ट के लिए या कपास के निर्यात के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, ये किया है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, हाल ही में भारत ने एक MOU साइन किया है बांग्लादेश के साथ में कपास के एक्सपोर्ट के लिए, कपास मतलब कॉटन। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिस्केयर या BIS केयर भी बोल सकते हैं, तो ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नाम से ही आप लगा देंगे इसको सही जवाब। ऑप्शन सी, भारतीय मानक ब्यूरो, स्टैंडर्ड ब्यूरो इसको बोलते हैं। तो BIS केयर ऐप जो है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।